अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। राइट, सो जनाब, हम अपनी फैट डाइट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जिस फैट डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जूसिंग डाइट। और जूसिंग डाइट हमने एक पिछले कुछ दिनों में वीडियो कवर की थी जिसका नाम था रॉ फूड डाइट। सो जूसिंग डाइट काफी हद तक उस रॉ फूड डाइट से मिलती जुलती है। सो जैसे कि नाम से जाहिर है, जूसिंग डाइट के अंदर हमारा ज्यादातर जो इन्हिसार है वो जूसेस के ऊपर होता है। और ये जूसेस जाहिर है कि कच्चे फल और कच्ची सब्जियों से हासिल किए जाते हैं। इस तरह की जो गिज़ा है उसका असूल ये होता है कि तकरीबन 80% जो जूस है वो हम इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 20% हम जूस फलों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके पीछे ये ख्याल है कि क्योंकि फलों के अंदर चीनी या नशास्ता की मकदार ज़्यादा होती है बनस्बत सब्जियों के, और सब्जियाँ आमतौर पर बहुत ही लो कैलोरिक होती हैं, तो इस वजह से जब हम सब्जियों का जूस मैक्सिमम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा हम वजन कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये है कि जूस के साथ साथ इस तरह की गिज़ा के अंदर हम कच्चे फलों और कच्ची सब्जियों पर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं। इस तरह की गिज़ा में नशास्ता हम अनाज से तकरीबन 5% या उससे भी कम लेते हैं, यानी सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप आधी रोटी खा सकते हैं या 4 से 5 चम्मच चावल के। इसके अलावा आप नशास्ता अनाज से नहीं लेते। इसी तरह चिकनाई का इस्तेमाल भी आपको मुकम्मल तौर पर मना होता है। अगर आपने दूध या दूध से बनी हुई अशिया खानी होती हैं तो वो भी बलाई के बगैर इस गिज़ा से मुतल्लिक अगर हम बात करें तो। अब जनाब, इस तरह की गिज़ा के मसाइल क्या हैं? सबसे पहले, जैसे कि हमारा कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि ये एक इंतहाई गैर मुतवाजन गिज़ा है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फलों और सब्जियों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो यकीनन फल और सब्जी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की ज्यादती जाहिर है नुकसानदेह होती है। दूसरी चीज़ ये है कि फल और सब्जियों का जो इन्हिसार है उसकी वजह से इस डाइट को बाकायदा तौर पर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हर वक्त रोजाना मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के जूस निकालने पड़ेंगे, आपको हर वक्त कच्ची शक्ल के अंदर फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जो कि जाहिर है एक आसान काम नहीं है। इसके अलावा यह है कि जूसेस का इस्तेमाल इस गिज़ा को रेशे में बहुत कम बना देता है, और रेशा हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। रेशा वो चीज़ है जिसको अंग्रेजी में फाइबर कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो हमारी बेहतर रहती हैं, यानी हमारा जो निज़ाम इन्हज़ाम है वो उसको सही रखने में ये हमें मदद देता है, और हमें जो कब्ज़ या इस की तरह के और मसाइल हैं उनसे पीछा छुड़ाने में भी मदद देता है। इसके अलावा इस तरह की गिज़ा जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए भी बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ फल खास तौर पर केला, अंगूर और खजूर, उनमें बहुत ज़्यादा नशास्ता पाया जाता है। और इसी तरह डायबिटीज के मरीजों के लिए अगर उनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो तो भी हम बहुत ज़्यादा जूस पीने का मशवरा नहीं देते, बल्कि यही कहा जाता है कि मैक्सिमम एक वक्त में अगर उन्हें जूस पीना ही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 125 ml यानी आधा कप के करीब जूस का इस्तेमाल करें। बेहतर यह है कि वो हमेशा रॉ फ्रूट यानी कच्चा फल या सब्जियों का इस्तेमाल करें। और जनाब, इसके साथ साथ ये जो गिज़ा है, क्योंकि इसमें आप नशास्ता बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो आपके लिए एक सबसे पहला तवानाई हासिल करने का जरिया होता है जिस्म में, सो ये गिज़ा बहुत ही लो कैलोरिक है, इसमें बहुत कम तवानाई आपको मिलती है, और आप सारा दिन बहुत थके थके और नज़र आएंगे और बीमार नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द, मतली कह होना और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इससे बढ़कर आपको ये मैसेज समझ में आया होगा कि इस किस्म की गिज़ाएँ हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें, सो दैट आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।